Assalamualaikum everyone, it's Muni Bhai and welcome to my YouTube channel. अच्छा जी, आज का जो vlog है वो बहुत ही interesting होने वाला है, because finally हर साल का मेरा एक ऐसा vlog जो काफी boys देखना खास तौर पे पसंद करते हैं, जो होता है मंडी का vlog. अच्छा, हम लोग इस दफा नहीं जा रहे नॉर्दर्न बाईपास, क्योंकि रात में दोस्त होकर आए, कह रहे हैं भाई वो मंडी बहुत चढ़ी हुई है, हुकूमत हम पे चढ़ी हुई है, मंडी भी चढ़ी हुई है. तो हम जा रहे हैं इस दफा पहली दफा, पता नहीं कौन सी मंडी है, मलीर पे. पौने पांच हो गए, ज्यादा जल्दी भी नहीं निकले क्योंकि गर्मी बहुत है, और सुबह से मैं इन कामों में लगा हुआ था, ये टेंट लगवा के, वो बारिश अगर हो गई तो उससे बचने के लिए सब कुछ तैयारी पूरी है. अब चलते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अच्छा और मुनासिब जानवर मिल जाए. चलो. आज हमें एहसान के लिए भी एक जानवर लेना है, उसने भी मुझ पे जिम्मेदारी डाली हुई है, एक और दोस्त है उसके लिए लेना है, और एक अपने लिए तो लेना ही है. ऊँट नहीं कर रहे इस दफा क्योंकि सब घर पे गए हुए, इतने बच्चे जो है वो लाइन लगा के बैठे हैं, भाई ऊँट ला रहे हैं. ऊँट अगले साल. वैसे मैंने नाश्ता नहीं किया था तो सोचा कि थोड़ा सा कुछ खा लें, चिकन खा रहा हूँ. अब मैंने सोचा हुआ है कि जब तक बकरा ईद है तब तक मैं गोश्त नहीं खाऊंगा. ये भाई है, इन्होंने एक मुर्गा लेना है. भाई आपने क्या लेना है? आप विंडो शॉपिंग करने जा रहे हो? मैं करवाने जा रहा हूँ. करवाने जा रहे हो, माशाल्लाह बिजी लग रहे हो मुझे आप. ये शाहरुख भाई है, इन्होंने क्या लेना है भाई? मछली. इमन का भाई है, उसने भी आज इनकी गाय लेनी. एक गाय में क्या देखते हैं? खूबसूरती. बेटा गाय की बात हो रही है? हाँ, तो गाय की बात करते हैं. अच्छा. जी भाई, आप क्या देखते हो? माशाल्लाह आप तो यार मुझे शक्ल से जो है ना, कोई सिविल इंजीनियर पढ़ते लग रहे हो. इकरा यूनिवर्सिटी तो नहीं पढ़ रहे आप? नहीं, पूरे पूरा हो बकरा. शाहीन शनवारी का नहीं है. अच्छा. ये बकरा जो है वो मवेशी मंडी का है, तो उस तरीके से बताएं. लो बकरा हो, दो दांत हो, खूबसूरती है, पूरा हो. भाई पांच कुल्फियां दो यार, हमारे पास भी इसी तरह लोग आते हैं. भाई पहचाना? नहीं भाई, मैंने तो नहीं. यार आप जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं ना? मैं जी. हाँ, तो मैं भी तो उसी मस्जिद में पढ़ता हूँ. वाह यार, व्हाट अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यार. गाड़ी के टायर पहले ले लिए और बाद में गाड़ी डलवाई है, चेक तो करें जरा. आपका क्या वोट है? मेरा है नॉर्दर्न बाईपास. भाई आपका क्या वोट है? भाई आप बताओ आपका क्या वोट है? मलीर मंडी. मलीर मंडी. तुम तो ग्रुपिंग करके आए हो, तुम लोग वो अपना शादाब और बाबर आजम. बात याद रखो कि आज लेके ही जाएंगे, उसके अलावा टाइम नहीं है हमारे पास. बंदा जो है ना 3 लाख रुपए का बैल लेके गया घर पे बछड़ा, और उसके बाद दोबारा बेचने आया हुआ. तो न्यूज एंकर ने पूछा कि भाई क्यों आ? कह रहे हैं अबू, कह रहे महंगा लेकर आए हो, वापस बेच के आओ. मैं बेचने आया हूँ, आप 2.95 में ले लो. वाइफ नहीं आ रही मुझे, लग नहीं रहा यहाँ से कुछ अच्छा मिलेगा. अच्छा भाई, इस वक्त हम लोग आ गए हैं जरा मलीर मंडी में. डिफरेंट मंडी है भाई ये तो. इन दोनों का इसका तुम क्या बोलते हो? वो कहाँ गया जो तीसरा वाला था? ये था ना वो? ये है भाई. तुम बोलो, हमने तो बता दिया. बोला वो तो, बोला है ना. बोला. अरे यार बोलने को छोड़ो. अभी बताओ ना कितने इसका, इसका ये दो कितने में छोड़ोगे और ये कितने में छोड़ोगे? ये जोड़ी मैंने बता दिया तुमको, 5 लाख इसके ले लो, सवा दो इसके. इस तरह इतनी थोड़ी होती है यार, 4 लाख रुपए का डिफरेंस बहुत डिफरेंस है भाई. साढ़े चार का जानवर ही नहीं है. तुम अभी सोच में हो गए अभी ईद को 4-5 दिन है, आराम से हम पूरे पूरे पैसे बेचेंगे, जो अच्छी सोच है. हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है. इतना थोड़ी होता फर्क, अभी तुम उसको साढ़े चार से, हम तुमको 2.5 लगा रहे, तुम 4.5 लगा रहे हो उसको. शाहरुख कहते आए थे हम एक लेने के लिए, लेकिन बड़े मुनासिब लगा दिए 5.5 लाख. मुनीर ये भी देख, शेर दांत ये कलर उसको चाहिए, वो ब्राउन वाइट का. असल पैंडल बताओ कितने में देना है? 4 दांत है, देख लिया बछड़ा देखा है तभी तो छोड़ा. उसको छोड़ दो, उसकी बात करो, ले लेंगे वो तो. मकसद मेरा कहने का यही है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या दे 2.20 सही है, पैसे 2.20. कितने में छोड़ोगे आप? कितने में छोड़ोगे? 3.70 का लगाओ. चाचा कुछ गुंजाइश छोड़नी है या हम निकले? तुम करो ना भाई, बोला तो है तुमको, तुम तो इतने पैसे बता रहे हैं. मुझे मसला नहीं है, मुझे मसला नहीं है 5-90 में, मुझे मैं उसको 60-65-70 में जहाँ छोड़ता है मुझे वो दोनों अच्छे लगे. क्या वाटी क्या मसला है? ठीक है, चलो बेटा, मुझे बराबर वाला ना, जो मुझे वो दोनों अच्छे लग रहे हैं. जो तुम्हारे वाले के लिए देखा था अगर, तो देखो वो वाले अगर वो देता है ना 5-60-70-65-75 कहीं पे, 70-75 में, नॉट बैड. दोनों मुनासिब है, बछड़े मुनासिब है, दूध आते ना दोनों मुनासिब है. हाँ चाचू बता फिर कितने में देगा? बोल दिया 2.20 ले ले, 30 ले ले, तो फिर 3.5 का ले. इसको थोड़ा सा
यार बोले थे मैं भी बोलूँ मैं 18 साल का हूँ, उससे कोई मैं 18 का थोड़ी हो जाऊंगा, बढ़ते बढ़ते मैं 30 का हो जाऊंगा, वैसे हूँ तो 32 का, लेकिन ये बताने में क्या है यार, बताओ तुम बोलो कितने का करोगे आखिरी? नहीं ना नहीं ना नहीं 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 तीन कर लो। चलो इतना तूने पॉज लिया ना बीच में, इसी साइज का एक और लाओ यार कहीं से यार दून डांड के सूरत है उससे ना उससे नो डॉक्टर है वो सूरत तो है हल्का सा रेटों में भी रेंज चेंज उसी हिसाब से चाहे ये लो चाहे वो लो ठीक है ये भी चार का होगा वो भी चार का है इतना फर्क है उसके अंदर वो बड़ा है वो छोटा है खूबसूरती में है बेटा आप भी तो फैन हो देख लो वो आप लगते हैं 4-20 तो तूने बताया था इस तरह तो मैं भी 1.5 लाख से शुरू हो जाऊं फिर कोई मसला नहीं है हमारे भाई हो 2.5 लाख के चलो दोनों का बताओ बोलो बताओ तुम बताओ 2.5-2.5 के हिसाब से ले लो तुम्हारे भी बिक जाएगी इंशाल्लाह 4-4 के हिसाब से। अब जुमलेबाजी करोगे तो फिर तो हमारा तो काम ही है, 10 साल से हम यही काम कर रहे हैं जुमलेबाजी भाई जुमलेबाजी हमसे ज्यादा मैं तो कहता हूँ उसको भी डालो हम तीनों ले लेते हैं रेट अच्छा बताओ हम तीनों ले लेंगे तुम्हारा सारा मान बिक जाएगा जो तुम्हारे 5-90 पे आया ना वो ले लो। चलो एक जगह और देखते हैं एक दो जगह समझ में आता है तो सही है नहीं आता तो फिर रुपए के पास जाएंगे। आज एक मशवरा तो दे यार बीकॉम के बाद एमबीए करना चाहिए या क्या करना चाहिए? अरे यार बड़े जानवर कहाँ मिलेंगे ये बता बड़े जानवर यहाँ पे किसके पास खड़े हैं मजूर पशानवाज का थे बाबा पैसे क्या मांग रहे हो कौन सके पहले इसके बताओ बड़ी मेहरबानी यार आई लव यू गाइस बट प्लीज रश नहीं लगाओ ऐसे सही से लगाओ लेने वाली बात हाँ 3.5-4 तुम्हारे दिमाग में भी यही था नहीं नहीं बछड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है देखो हम आगे पीछे हमने 2 भी लगाए हैं 2.5 भी लगाए हैं हमने 3 भी लगाए हैं जो चीज़ होती है हम उसके हिसाब से पैसे लगाते हैं ना किसी के साथ ऐसा नहीं है कि हम आपको टपाएं 2 ले लो 2.5 ले लो 10 लाख मांगो हमको भी गुस्सा नहीं है चलो पूरे से कर ले बस जो तुम्हारे दिमाग में है ना उनको समझ में आ रहा है अदाकार होता है वो सामने वाले का ना दिमाग पढ़ रहा होता है दूसरा जब अदाकार के साथ ड्रामे में काम कर रहा है मुझको समझ में आ रहा है तुम्हारा दिमाग क्या है लेकिन ये कि अपने दिमाग को थोड़ा सा चेंज करो दाग लग गया है तो ऊपर नीचे करके सौदा निकालो पाँच में मैं नहीं लूंगा सही है 5 में मैं नहीं लूंगा इससे नीचे आ और ये आखिरी बताओ फिर हम अपना आखिरी बताएंगे बिस्मिल्लाह करो वरना फिर हम आगे नहीं तुम बताओ ना इसका क्या दोगे भाई इसको मैं 4.5 में लूंगा उसको मैं 2.5 में लूंगा 5-7 लाख रुपए में लेते दोनों देते ये इस तरह का जो जानवर होता है ना इसका गोश्त में चर्बी बहुत कम है लाओ 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 मार्केट में लाओ तुम बोलो अपना माल चाचा अपनी औलाद सबको प्यारी होती है यार और नहीं तो क्या अपनी औलाद से कोई बोलता है कि इसमें ये खामी है अपनी औलाद सबको प्यारी होती है तीन कर लो मैं भी पता हम भी खरीदने आया सुबह से बुखार हो रहे हैं यार 1 घंटा हो गया 3.5 ले लो 6.5 ये कितने हो गए पैसे 11 लाख रुपए ओए होए एक ऑल्टो आ जाएगी इतने में तो यार हो रहा है अच्छा बोल दे 5 में नहीं दूंगा 5 में मुझे पता तेरा माइंड तू क्या बोलने वाला है 65 दे दे अभी इसका पहले सौदा कर बच्चे को समझ में आ गया इसकी रेंज थी 2.5 लाख रुपए की 15,000 में अपनी जेब से दूंगा बाखुदा मगरिब के दाने झूठ नहीं बोल रहा अल्लाह अल्लाह कुर्बानी मंजूर चलो हो गया माल ले ले ये हो गया 370 कर लो दे दो और भी एक देख लूंगा तुम्हारे पास दिल छोटा सा दिल इतना दिल बड़ा करना बीमारी है डॉक्टर से स्टेंट लगवाना पड़ता है जानवर का दिल बड़ा हो जाता है डॉक्टर से स्टेंट लगवाना पड़ता है बीमारी है दिल बड़ा करना दे दे चाचू नहीं कर इतनी बहस यार जा मैं तो कहता हूँ भाभी के साथ ईद कर चाची के साथ हमारी सारा माल बेच के निकल जा 2 दिन पहले बहुत की हुई है मैंने 3 शादी की है लो बाद में फैसला कर रहा था मैंने इसको आज दोनों ले लूंगा चल बता आई लव यू प्लीज अपना अपना देखो भाई खड़ा करो दोनों को साथ खड़ा कर दो सौदा हो गया हमारा अबे हंसो तो सही तुम लोग तो लग रहे हो वायरल क्यों
50,000 रुपए मैंने बढ़ा लिए अपने, आप मेरे ऊपर बढ़ा ले, तेरे मैंने डाल दी, कोई मसला नहीं, हो गया भाई डन। भाई 3 घंटे मंडी में घूमने के बाद सिर्फ एक ही जानवर हमने लिया, जो वो ब्राउन वाला था जो मैंने अपने लिए लिया। उसके बाद एक मांस को चाहिए था और एक और मुझे चाहिए था, तो हमने सोचा वही ले लेते हैं जो शुरू में पसंद आए थे। खैर जब तीनों जानवर हमने ले लिए तो उसके बाद हम गए इन जानवरों को गाड़ी में चढ़ाने के लिए, और गाड़ी में चढ़ा के फिर हमें वापस जाना था बकरे लेने के लिए। बकरों की मार्केट में पहुंचते मेरे फ़ोन की बैटरी जो थी वो बहुत लो गई, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे विजुअल्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट एट दी एंड मैंने ये 4 बकरे ले लिए अपने लिए। बकरे इस दफ़ा बहुत महंगे हैं भाई, जो लोग बकरे लेकर आ रहे हैं उनको सलाम है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं।